क्या मिलेगी फरहाद को उसकी माही? क्या माही गिरेगी फरहाद के इश्क में? फरहाद या जिंदा? जानिए और भी बहुत कुछ आज के एपिसोड में। तो ड्रामे की शुरुआत होती है एक सठियाए हुए नहीं मतलब एक बहुत ही पहुंचे हुए बाबे से, जो कि अपने मुरीदों को कह रहा होता है, बेटा दुनिया फानी है, छोटी सी दुनिया है और नमाज से जनाजे तक दुनिया की लिमिट है, और इस इतने से शॉर्ट टाइम में भी इतनी सारी तकलीफ है क्यों? तो ये हमारे हीरो की जो कि इंतहाई किस्म का निकम्मा काम चोर है, डरा इंसान होता है, जिसका बाप हमेशा हर वक्त उसको ताने दे रहा होता है कि बेटा कुछ कर ले, और दूसरी तरफ उसका भाई पढ़ा लिखा मेहनती बंदा इतनी मेहनत करता है कि वो मतलब बड़े किसी इम्तिहान की तैयारी में लगा रहता है, और इसका छोटा भाई इसको खोटा सिक्का कहते हैं घर का। तो इसका बाप हमेशा उसको समझाने के पीछे बेटा अपने बड़े भाई से कुछ सीख कुछ पढ़ ले, फिर उनका यही चलता रहता है कि उसका बाप उसे किसी बड़े सेठ के घर में नौकर रख देता है, मैनेजमेंट मतलब टेम्प्ररी तौर पर वो शादी की मैनेजिंग करता है। उसको फिर उतर आती है एक हमारी खूबसूरती प्यारी सी हीरोइन माही, जिसको वो कैनेडियन गेस्ट समझ के अपने रूम में ले जाती है, उसको मतलब अच्छी एक जो मेहमान की खिदमत करते हैं वो उसकी खिदमत करते हैं। फिर जब उसको बाद में पता चलता है कि ये तो एक निकम्मा कामचोर इंसान है जो हमारे घर काम करने आया, फिर उसको उधर से बालू पकड़ के बाहर निकाल देती है। उतने में अंदर ही अंदर में हमारे हीरो के दिल में लड्डू फूट रहे होते हैं कि भाई मतलब सेटिंग हो रही है, नहीं कार मिल रही है, ये वो हर चीज़ मतलब क्या ही बात है ना भाई। होता है कि शादी के काम वाम वगैरह सब चल रहे होते हैं, और इतने में वो लड़की उसके साथ मजाक करती है या मतलब दोस्ती का हाथ बढ़ाती है, जिसको हमारा हीरो बिल्कुल बहुत ही दिल पे ले लेता है, उससे प्यार करता है। फिर होता है ये शादी ख़त्म होती है, लड़की चली जाती है अपने घर। जैसे वो घर जाती है तो हीरो के दिल में मतलब कुछ हो रहा होता है कि यार मुझे बता के क्यों नहीं गई, इतनी सी दो दिन तीन दिन की मोहब्बत को उसने बताने अपने सर पर जुनून समझ लिया। फिर वो जाता है, हमारा हीरो जाता है सीधा बहावलपुर ट्रेन पकड़ कर, बहावलपुर पहुंचता है तो देखता है कि भाई लड़की की सिक्योरिटी बड़ी टाइट है, मतलब एक बड़ी महल होता है वहाँ पे, और जनाना मर्दों का औरतों का सिस्टम बिल्कुल अलहदगी होती है ना, मतलब सैयद खानदान बिल्कुल एवन किस्म का पर्दा होता है। जब हीरो सोचता है कि यार जब भी मुझे मिली थी कराची में बड़े रुमके शुमके मारे थे, अब मैंने गलत जगह हाथ मारे, लेकिन क्या करें, अब बेचारा उसके इश्क में इतना पागल हो जाता है ना, मतलब घटिया हो जाता है कि वहाँ पे गद्दारी करने लग जाता है। लेकिन अगले एपिसोड में दिखाते हैं कि इसकी डेथ हो जाती है हमारे हीरो की। तो आप यार इतने वैसे पागल हमारे पाकिस्तानी लोग भी नहीं कि अगर हीरो की डेथ हो जाएगी तो बाकी ड्रामा पूरा कौन करेगा। इसलिए जो लास्ट वाला एपिसोड आया, जो लेटेस्ट एपिसोड आया 13वां एपिसोड, वो तो मैं मतलब ऐसे फजूल में टाइम पास करके गुजार दिया। तो लेकिन अब आपको एक काम करना है लाजमी, ये जो लाइक वाला बटन है ना इसको चाट चाट के नीला करना है, और जो सब्सक्राइब वाला बटन है ना ये साइड वाला, हाँ हाँ बिल्कुल जो लाल दिख रहा होगा आपको, हर वक्त यार उसके नाक पे गुस्सा देता है, काम करें इसे थप्पड़ मारें, गुस्सा मारें, लात मारें, जो भी मारें इसको लाल से पीला कर दें एकदम।